नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी एक नई वीडियो में, मतलब नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नंदगंज। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ पापा का लड़का भी है। एक्चुअली बड़े पापा कह जा रहे हैं, छोटी सी पार्टी थी, सिर्फ हम भाई बहन थे, तो इसकी वजह से हम चल रहे हैं आज। और आप लोग टाइम देख सकते हैं, 2:24 हो रहा है, दोपहर का टाइम है। भाई मेरा थोड़ा सा माउंट में इशू आ गया है, माउंट जो है सही से लग नहीं पा रहा है, तो इसके लिए तो काफ़ी स्लो भी चलना पड़ रहा है और काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। बट कोई ना, आप लोगों के लिए फिर भी मैं इतना कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर जरूर करना भाई, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाकी आप लोग को मैं आप लोगों को आगे भी दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आएंगी आप लोग को सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, और आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन से मेरा आगे मिलेगा, उसका भी क्लिप मैं सब फोन में करके डालूंगा, बाकी भी चीज़ें देखिए मैंने जो वीडियो करके डालूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आइए चलते हैं। जिस स्पीड से हम आ रहे थे 50-60 15 मिनट में हम आ गए हैं जहूराबाद। तो ये जो रोड है, अगर इससे अगर आप एकदम सीधा जाएंगे तो आप सर्विस लेन ज्योति जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो भी मिल जाएगी। जाने वाले उसी के थ्रू थे बट मन नहीं किया है क्योंकि बहुत खाली खाली सा हो जाता है, बहुत सीधा रोड है वो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंदर वाला रास्ता लिया है, बाकी तो अभी चल के कुछ दूर के लिए वो पकड़ना ही पड़ेगा और फिर गाजीपुर से नंद गया, तो काफ़ी लंबा जाना है। तो ये रीज़न है लोकल रोड से चलने का, आपको बीच बीच में गांव वगैरह लोग वगैरह दिखते रहेंगे, आप सर्विस लेन पकड़ लेंगे, आप लोग को दिखाएंगे थोड़ी दूरी पे है, तो काफ़ी अजीब सा लगता है उस पर चलने में। जैसे ये देखिए चाचा, आ जाइए रोड पे, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। चला जाता है सीधे कठवा मोड़, इस साइड वाला ये वाला गाजीपुर, ये भी मऊ चला जाएगा, मऊ नहीं जाएगा। भाई बहुत सन्नाटा है भैया। अब जो है आप लोग कासमाबाद से बाहर निकल चुके हैं और आप देख पा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सब सामने है और यहाँ से हम लोग सर्विस लेन पकड़ के जाएंगे। यहाँ से भी थोड़ा लंबा पड़ता है बट सही है। उसके बाद से बनारस वाली जो हाईवे है वो मिल जाएगी, बनारस वाली तो वो पकड़ लेंगे, या फिर वो बाहर ही बाहर पूरा नंदगंज से पहुंच जाती है, सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तो वो सही है। मैं अच्छा, अब यहाँ से हम सर्विस लेन पकड़ेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन सा एक्सप्रेस है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहीं नहीं चढ़ने वाला है गाजीपुर, तो पता नहीं कहाँ गया भाई, पता कभी गया ही नहीं इसमें। अच्छा चाचा, चपले रहे हैं
इसलिए बनाया गया था कि जो सर्विस लेना उसको ओवरलोड गाड़ियाँ ना आए, जैसे कि ओवरलोड ट्रक्स वगैरह होती हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए है, तो वो लोग इसको क्रॉस ना करते, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनाई गई है और कहीं बहुत ही छोटी बनाई गई है, तो जिसकी वजह से जो ओवरलोडेड जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा यही से आपकी सर्विस लेनी अच्छी निकली है। मतलब भाई हमारे उत्तर प्रदेश में तो रोड अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, अभी तो बहुत अच्छी है, वरना ये भी अच्छी ही होती। टोल का काम चल रहा था, आई मीन टोल टैक्स वाला जो होता है वो बन रहा था, तो देखिए मे भी उम्मीद तो है कि बन गया होगा। वैसे भी हम बाइक से हैं, क्या ही लगेगा, बाइक का तो वैसे भी कुछ नहीं लगता है। आइए चलते हैं, इंजॉय करिए। हम लोग देख पा रहे हैं अभी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इधर से उधर करना पड़ रहा है, बट फिर भी वो लोग देख रहे हैं। गाड़ी वालों को तो नशा ही अलग है भाई, है अपना अपना स्टाइल है। पता नहीं क्या हो रहा है, कम से कम बनवा देना चाहिए। एक ही अच्छा हुआ ये वाला खुला छोड़ दिया है, अभी इसका कोई पता नहीं है, बाकी तो उस टाइम पे तो उधर साइड नीचे से उतर के जाना पड़ता था। वाह पान की पिचकारी, एक बार आए थे तो रबड़ी वाली चाय नहीं थी और आज हम लोगों ने रबड़ी वाली पी, तो काफ़ी अच्छा भैया बनाते हैं चाय पी लिए हैं। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने बड़े पापा घर पे, भैया पता दिखाते हैं। बाकी ये जो सामने वाला है ये जो रोड है ये वाली ये जाती है मतलब मार्केट के अंदर, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था व्यापक मार्केट के थ्रू नहीं आया है, मार्केट से दूर हटके जो एक्सप्रेस वे है हाईवे है जिसको पकड़ गया, तो ये सिटीज़ के मैक्सिमम सिटीज़ के बाहर ही बाहर निकला है, जैसे गाजीपुर नंदगंज वगैरह बहुत सारी जगह है, छोटे छोटे कस्बे हैं तो बाहर ही बाहर निकले हैं। अभी थोड़ी दूर से हम राइट टर्न लेंगे आई थिंक इस वाले ट्रक के पास से, और गाँव के अंदर जाना है तो जाना है, बट यहाँ खुला हुआ था जैसे कि हमने देख पा रही है बंद कर दिया है, तो अब आगे ढूंढते हैं कहीं है क्रॉस करने वाला, तो अच्छी बात है वरना देखते हैं। भाई साहब पेट्रोल पंप के सामने तो दे देना चाहिए था, तो नहीं है तो आगे है, कहाँ आगे है आई थिंक हम यहाँ आज है शायद, नहीं नहीं आगे होगा वो है, तो कोई इतनी दूर भाई शहर कोई नहीं, यहाँ से हम लोग उतार देंगे वापस चलेंगे, बाकी इंडिकेटर दे देते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, चलो इस सुरेंद्र चला क्या सुरेंद्र चला क्या होते हुए तो हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है, अब चलते हैं आगे चलना होगा, ये रास्ता भी चला जाता है बट थोड़ा सा ये उल्टा पड़ेगा खराब रास्ता है, और आगे चाचा घर है हमारे तो उनके अभी आएंगे, अभी तो फिलहाल में चलते हैं। तो यहाँ ट्रैफिक ठीक है, घूमने वाला
वहाँ से हम उड़ेंगे अगर कहाँ कहाँ जाना है कहाँ कहाँ जाना है ठीक ही है ओके ओके है चले जाएंगे। कहाँ से है बाइक वाले के पीछे से ट्रक के पीछे से ये जो देख रहे हैं ये मशीन है ये ट्यूबवेल है जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक ही है कह सकते हैं बाहर के लोग के लिए फार्म हाउस ही है ये और ये घर है तो फाइनली हम आ गए हैं। हेलो ब्रो छोटा वाला तो फाइनली पहुंच गए हम लोग। अरे कोई है चलते हैं घर में डकैती डालते हैं। दादी हैं सो रही हैं। ये हमारी बहन नहीं है। अरे हट रहा आगे से हाय कर दो। हेलो हे कहाँ है सो रहा है ऊपर। रुको रुको आइए उसको बताते हैं बढ़िया तरीके से। क्या चीज भाई साहब का सुबह हो गया है कमरा इनका दिखा दो। चलिए आप लोग को अभी शाम को फिर मिलते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम किया जाएगा तो मिलेंगे। चलो शाम का टाइम हो गया है और हम निकल लिए। कहाँ जा रहे हैं? नंदगंज मार्केट। अभी जो है बहन जी पीछे बैठी है और खटारा बाइक मिल गई है चलाने को तो अभी जा रहे हैं नंदगंज मार्केट। आइए आप लोग को दिखाते हैं मार्केट वगैरह दिखाएंगे। खटारा बाइक लेके आ गए थे। अबे कैसा ढगर ढगर कभी चल रही है सामान लेना ना कि और कुछ खाना में मिल रहा है। अब तुम लोग देख लो हम खा ही लेंगे तुम ही लोग देख के खा लेंगे। हम ना देख लीजिए ना कुछ जान भाई। हाँ भाई कौन सा चैनल है? अच्छा क्या नाम है भाई आपका? अच्छा यूपी 61 उसका लिखा हो उसके वाला। अरे उलाट मत दिए नहीं वो वाली बाइक है ना मेरी उतर लो। तो अब जो है सबसे दिले लिए अब ये चर्चा हो रहा है पता नहीं क्या क्या लेना है। तो ये अपनी माता जी से बात कर रही है कि क्या लेके आना है। सही है पनीर वाली बाटी बनेगी ना जैसा समझ में पनीर भी एक पाव लेना कौन सा कर देना। सुनो और मम्मी कह रही थी सब हो गया अपन गाठी लेना है और गाठ पालन है बोल रही है गाठ पनीर की बाटी। ओ भाई साहब पार्टी का टाइम था और ये अलग नेताजी पार्टी करने आए हैं। ओ शिट ये है कौन सी ब्रीड? अरे बाप रे ये देखिए आज का तो शाम हो गई है और आप लोग देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा जूम करें आप लोग को थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये आग जल रही है आलू वगैरह सब कुछ रखा गया है यहाँ पे। और एक मिनट भाई बाटी चोखा और अंदर घर के अंदर बन रही है खीर और दाल। तो आज पार्टी पार्टी है। बाकी ये दो लोग अपने में पंचायत कर रहे हैं गाना अलग ही माहौल बन रहा है। तो अभी पार्टी में बहुत कुछ बाकी है तो आप लोग को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कितना उसमें बिना मतलब के हाथ से रगड़ रहे हैं तब भी तो अच्छा लगता है। हम लोग का एकदम पूरा पार्टी तैयार हो गया है बनके। ये हमारी बड़ी मम्मी है ये दाल बनाई है चोखा बाटी। भाई बाटी तो कई प्रकार की मिल जाएगी। अभी खीर भी आ रही है। बाकी तो मुंह में पानी अभी से आ गया है। स्पीकर सब चीज का प्रबंध है।